आइए बच्चों, अब हम आपको नाइन्थ क्लास की फर्स्ट पोयम पढ़ाते हैं, द रोड नॉट टेकन, जो रास्ता नहीं लिया गया। यानी हर इंसान के जीवन में दो रास्ते होते हैं और उसे चॉइस करनी पड़ती है कि वह किस रास्ते पर चलना चाहता है। तो यह अमेरिकन पोइट हैं जिन्होंने ये पोयम लिखी है, उनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। आइए देखते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज, दो रास्ते डाइवर्ज होते थे, जैसे एक रास्ता इधर को चला गया और एक इधर को चला गया। और कवि है जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर खड़ा हुआ है। इन येल्लो वुड, एक येल्लो वुड में, येल्लो वुड का मतलब है जंगल, और इसका दूसरा मतलब निकलता है जो बूढ़े लोग हैं, जो उन रास्तों पे जा चुके हैं। एंड सॉरी, और माफ़ करना, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पे नहीं चल पाया। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं वन ट्रेवलर था, अकेला था, एक ही यात्री था। लॉन्ग, बहुत देर तक, आई स्टूड, मैं खड़ा रहा। एंड लुकड, और मैंने देखा, डाउन वन, एक रास्ते को देखा, एज फॉर एज, जितनी दूर तक आई कुड, जितनी दूर तक मैं देख सका। वे टू वेयर इट बेंट, जहाँ पे ये बेंट होता था, मुड़ता था, इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ में, बुशिज में, झाड़ियों में। तो आइए देखते हैं अब इसमें, इसमें जो सिंबल्स हैं, सिंबोलिज्म, टू रोड्स है, क्योंकि जीवन में दो रास्ते होते हैं, ये पोइटिक डिवाइस है जो सिंबोलिज्म है। उसके बाद एंड, बार बार लाइन शुरू हो रही है एंड से, सेम वर्ड से अगर लाइन शुरू हो तो एनाफोरा बोलते हैं। ये यहाँ पे मैंने एनाफोरा लिख दिया है। और इसकी जो राइम स्कीम है, लास्ट में डी पे समाप्त हो रहा है तो ए हो गई, फिर बोथ थे बी, फिर ए ए बी, यानी ए बी ए ए बी, ये इसकी राइम स्कीम है। आइए आगे चलते हैं। देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरा रास्ता लिया, जस्ट एज फेयर, जो थोड़ा अच्छा था, फेयर था। एंड हैविंग परहैप्स, और शायद, द बेटर क्लेम, ज्यादा बेहतर दावा कर रहा था। मतलब दो रास्ते ऐसे, मान लो एक पे कुछ ज्यादा लोग चले हों, एक पे कम चले हों, तो ये उस रास्ते को चुनना चाहता है जिसपे कम लोग चलते हैं। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये घास वाला था, ग्रासी रास्ता था, क्योंकि उस पर कम लोग चले हुए थे। एंड वांटेड वियर, और वांटेड वियर मीन्स उस दिन कोई नहीं चला था, चाहता था कि इस रास्ते पे कोई चले। दो यद्यपि, एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वहां तक जो पासिंग का रास्ता था, जाने का रास्ता था, देयर हैड वॉर्न देम, जैसे चलते 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 जो वो घिस गया था रास्ता, रियली अबाउट द सेम रास्ता था। आइए अब देखते हैं इसकी राइम स्कीम, ए बी ए ए बी, और इसमें एलिट्रेशन का यूज किया गया, कैसे, जैसे डब्लू डब्लू, और यहाँ पे टी टी टी। एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ये आपको मालूम होगा। तो ये डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है, इन्हें याद रखे अच्छी तरह से। आइए आगे चलते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह जब वह खड़ा हुआ था तो वो रास्ता है जो इक्वली ले थे, बराबर थे रास्ते में। इन लीव्स, जो पत्ते थे, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी उस दिन जब वह मॉर्निंग को वहाँ पे खड़ा हुआ रास्ते पे, कोई भी आदमी वहाँ पे चला नहीं था, स्टेप नहीं रखा था उसने, और ट्रोडन मीन्स कुचला हुआ, ब्लैक, यानी जैसे चलते चलते पत्ते कुचल जाते, काले हो जाते, ऐसा नहीं हुआ था। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने एक रास्ता दूसरे दिन के लिए रख लिया। यट,
तो भी फिर भी नोइंग जानकर हाउ वे लीड्स, कैसे रास्ते रास्तों पे ले जाते हैं, यानी रास्तों में से ही रास्ते निकल जाते हैं, ये कहना चाहता है। ऑन टू वे, रास्ता है, जैसे मान लो ये रास्ता हो गया, दो रास्ते हैं, तो मान लो वह इस पे चला तो रास्ते में से ही रास्ते निकल जाते हैं। तो वे, आई डाउटेड, मुझे शक था इफ, यदि आई शुड एवर कम बैक, कि मैं इस पे वापस आ पाऊंगा या नहीं। तो इसमें राइम्स की में ए बी ए ए बी, और इसमें भी एलिट्रेशन है, देखो यहाँ पे एफ एफ सेम साउंड है, तो ये अनुप्रास है यानी एलिट्रेशन है। आइए आगे चलते हैं। आई शैल बी टेलिंग, तो मैं कहता रहूंगा दिस विद ए शाई, एक आह के साथ, गहरी सांस के साथ, समवेयर, कहीं, एजिज एंड एजिज हेंस, यानी युगो युगो बाद, हेंस माने बाद, टू रोड्स डाइवर्ज, कि दो रास्ते अलग अलग होते थे, दो दिशाओं में जाते थे, इन ए वुड, एक जंगल में, ये संसार ही एक प्रकार का जंगल है समझो, और इसमें एक रास्ता अच्छाई का है, एक बुराई का है, अब आपकी मर्जी है किधर चलोगे। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, तो पोइट कहता है मैंने वह रास्ता लिया जिस पे लेस ट्रेवल्ड बाई, यानी कम लोग चलते हैं, तो अच्छाई के मार्ग पे कम लोग चलते हैं और नए नए मार्गों पे भी कम लोग चलते हैं, ये कहना चाहता है। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी ने यह डिफरेंस कर दिया, अंतर कर दिया। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, और राइम स्कीम देखिए ए बी ए बी, पूरी पोएम में सेम है, और यहाँ एजिज एजिज, ये रिपीटिशन है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको रिपीटिशन बोलते हैं। तो इस प्रकार आपकी पोएम समाप्त हो गई है। इसे बार बार वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं दोबारा इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगा, क्योंकि फॉर्मेट चेंज हो गया है, जैसे सबको पता है सिलेबस कम हो गया है, इसलिए दोबारा करना शुरू पड़ रहा है मुझे। लेट अस एंजॉय, स्टडी वेल, थैंक यू।